डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 32 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इस लेक्चर में आज हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिस्कस करेंगे और हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को किस तरीके से लिखते होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप देख लें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होती है। और लैंग्वेज जनरेटेड बाई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट हो उसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोलते हैं। अब जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है ना, ये आपके पास तीन चीज़ों की कलेक्शन होती है। नंबर 1 टर्मिनल, नंबर 2 नॉन टर्मिनल और नंबर 3 प्रोडक्शन रूल। मैं आपको बारी बारी इन तीनों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल इज़ एन अल्फाबेट डैट आर कॉन्स्टेंट एंड शो बाय लोअर केस, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। जो आपके पास टर्मिनल होगा ना लैंग्वेज में, उस टर्मिनल को आप कॉन्स्टेंट समझोगे। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं हो सकती टाइम के साथ। तो टर्मिनल आपके पास वो अल्फ़ाबेट्स होंगे जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज का मतलब है कि आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। और टर्मिनल को हम अपनी ग्रामर के अंदर किस तरीके से लिखेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट। जैसे यहाँ पे मैंने ए से लिखा हुआ है, तो ए जो है छोटा, यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो टर्मिनल आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नॉन टर्मिनल जो है आर द वेरिएबल्स डैट कैन बी रिप्लेस। नॉन टर्मिनल आपके पास जो होंगे वो वेरिएबल्स होंगे। अब वेरिएबल्स आपको पता है, आपने प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा, जो वेरिएबल्स होते हैं वो कोई ना कोई डाटा स्टोर करते हैं और वो रिप्लेस हो सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से मैंने एक्स लिखा हुआ है, एक्स को कैपिटल लिखा हुआ है क्योंकि जो हमारे पास नॉन टर्मिनल है इट कैन रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर, जिसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कैपिटल एक्स लिखा हुआ है ये मेरे पास क्या है, नॉन टर्मिनल है। और ये जो सेंटर में मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है ना, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है या तो लैंग्वेज में ए है या तो लैंग्वेज में एक्स है, यानी ये हमें और को बताते हैं। जैसे मैं यूनियन पढ़ा था ना, उसमें रेगुलर, जब हम रेगुलर लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको यूनियन के बारे में बताया था, या तो ये या तो ये। वैसे यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है ये और को बताती है कि या तो हमारी लैंग्वेज में ए एक्सेप्ट होगा या फिर एक्स एक्सेप्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रोडक्शन रूल क्या होता है। प्रोडक्शन रूल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। फॉर्मेट ऑफ प्रोडक्शन रूल इज़, अब देखो जो आपके पास प्रोडक्शन रूल है ना, वो कम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, या तो उसमें नॉन टर्मिनल होगा या तो उसमें टर्मिनल होगा। अच्छा, जो आपके पास इसमें नल होता है ना, नल भी आपके पास क्या होता है, टर्मिनल होता है। टर्मिनल का मतलब होता है टर्मिनेट, उससे आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम टर्मिनल वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। और नॉन टर्मिनल मीन कि हमारे पास ये टर्मिनेट नहीं है, ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन रूल का फॉर्मेट देख लें, फॉर्मेट इस तरीके से होगा कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड होगी वहाँ पे एक नॉन टर्मिनल होगा, यानी कि जो लेफ्ट साइड होगी आपके पास प्रोडक्शन रूल की, वहाँ पे हमेशा हमेशा नॉन टर्मिनल होगा। और जो राइट साइड होगी वहाँ पे आपके पास कम्बिनेशन होगी टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देखो, एस अप्रोचेस टू, ये जो मैंने एरो का साइन लगाया, इसको आप अप्रोच भी बोल सकते हो, इसको आप टेंड्स भी बोल सकते हो। तो एस टेंड्स टू ए और एक्स, यानी कि एस मेरे पास यहाँ पे नॉन टर्मिनल है, उसके बाद ए जो है ये मेरे पास एक टर्मिनल है, और एक्स जो है ये मेरे पास नॉन टर्मिनल है। और उसके बाद मैंने लिखा एक्स अप्रोचेस टू नल, यानी कि अगर मैं, अब एक्स मैंने आपको क्या बताया था, एक्स मेरे पास जो कैपिटल लेटर वाले होते हैं ये मेरे पास नॉन टर्मिनल होते हैं, और नॉन टर्मिनल को मैं वापस रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इट मीन्स कि इस एक्स की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, नल रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एस टेंड्स टू ए या फिर एस टेंड्स टू नल, यानी कि ये ऐसी लैंग्वेज है जो या तो सिर्फ ए जनरेट कर रही है या तो सिर्फ नल को जनरेट कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे तो आपको मज़ीद इसका जो है वो अच्छे से आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, वो तो मेरे पास सी एक जनरल डेफिनेशन, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। सी एफ जी, यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन बी डिफाइंड बाय फोर टपल्स। इसके चार टपल्स होते हैं, कौन कौन से, जी इक्वल्स टू वी टी पी एस, एक वी होता है, एक टी होता है, एक पी होता है और एक एस होता है। अब जी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, वी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल्स जिसको हम नॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, और पी टी जो है ये आपके पास टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करेगा जिसे हम कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, और पी आपके पास प्रोडक्शन रूल होगा, ठीक है। और एस आपके पास होगा स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग सिंबल जो कि नॉन टर्मिनल होगा। ओके, हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को किस तरीके से बनाते होते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लो कि अगर आपके पास ऐसे लिखी हो ना कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी कि एक एस जो है वो यहाँ पे बना हुआ है और एक एस यहाँ पे बना हुआ है, तब देखो दोनों के वेरिएबल्स क्या हैं, सेम है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस अप्रोचेस टू ए एस, और यहाँ पे बीच में लाइन लगा के इधर एप्सिलॉन को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसका ये मतलब है कि एस जो है उसमें या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो अगर मैं एक स्टेप पीछे जाऊँ तो इसमें भी यही है, एस या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अगर दो लैंग्वेजेस विद सेम स्टार्टिंग सिंबल ऐसे लिखी हो तो आप उनको इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो, ग्रामर आपको ये बता रही है कि एस जो है उसके अंदर ए एस है, ए आपके पास है नॉन टर्मिनल, एस आपके पास है टर्मिनल।
सॉरी ए आपके पास है टर्मिनल जो कि कांस्टेंट है और एस जो है ये आपके पास नॉन टर्मिनल है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देखो एस अप्रोचेस टू एप्सिलॉन। अब मैंने आपको बताया था कि हम नल को एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम नल को लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं, हम नल को डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखो आपको एप्सिलॉन आया हुआ है। अब आपने एप्सिलॉन से कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये क्या है, एप्सिलॉन बता रहा है कि यहाँ पे नल है, ठीक है। अब देखो एस अप्रोचेस टू ए, इस एस की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, देखो मुझे वेरिएबल गिवन है एस अप्रोचेस टू एप्सिलॉन, यानी कि इस एस की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, एप्सिलॉन को पुट कर सकता हूँ। तो एस की जगह पे अगर मैं एप्सिलॉन डाल दूँ तो ए इंटू एप्सिलॉन मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, ए। यानी कि ये मेरे पास ऐसी ग्रामर है जो सिर्फ और सिर्फ ए को एक्सेप्ट कर रही है या फिर ए को जनरेट कर रही है, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल आपको समझाता हूँ ताकि जो आपका इसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का आइडिया है वो क्लियर हो जाए। आसान सी चीज़ है क्योंकि इससे हम आगे काम करेंगे तो ये आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। देखें यहाँ पे मेरे पास है एस अप्रोचेस टू ए एस और एस अप्रोचेस टू नल, ठीक है। अब हमें चाहिए अपनी लैंग्वेज में ट्रिपल ए, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे अपनी लैंग्वेज में ट्रिपल ए एक्सेप्ट करवाना है इस ग्रामर से, तो कैसे होगा, देखो S approaches to AS, ये स्टेप वन हो गया S approaches to। अब देखो इस S की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, आपने हमेशा राइट साइड पे देखना है क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्शन रूल की कम्बिनेशन होती है नॉन टर्मिनल और टर्मिनल की, और जो नॉन टर्मिनल होते हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं टर्मिनल्स, सॉरी नॉन टर्मिनल्स को नॉन टर्मिनल्स के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब S उसने हमें गिवन दिया हुआ है, S या तो हमारे पास नल होगा या तो S हमारे पास क्या होगा, AS होगा। तो देखो ये वाला जो ए है ये एज इट इज़ आ जाएगा, इस S की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, AS डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने AS डाल दिया, ठीक है। अब दोबारा देखो S की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, ये वाला ए एज इट इज़, इस एस की जगह पे मैं दोबारा ए एस डाल दूंगा। तो मैंने दोबारा ए एस डाल दिया। अब देखो जो मुझे स्ट्रिंग चाहिए थी ट्रिपल ए की वो मुझे मिल गई। अब इस एस की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, इस एस की जगह पे नल डाल दूंगा। तो एस अप्रोचेस टू ट्रिपल ए और नल, तो इस लैंग्वेज से मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रिपल ए मिल जाएगा, ठीक है। ये ग्रामर थी, इससे मैंने अपनी स्ट्रिंग जनरेट की ट्रिपल ए, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और करवा देता हूँ आपको ताकि आपका जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना लेक्चर नंबर 33, उसमें मैं आपको क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स जो हैं वो करवाऊंगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के, और वही जो हैं वो पेपर्स में आती होती हैं। अभी सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। देखो एस अप्रोचेस टू, हमें क्या क्वेश्चन भी गिवन है, ए एस बी, ए एस बी और नल, ठीक है। ए एस बी और हमें नल गिवन है क्वेश्चन में, हमें चाहिए ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, ठीक है। ये हमने एक्सेप्ट करना है इस ग्रामर से। तो अब ये कैसे एक्सेप्ट होगा, देखें एस अप्रोचेस टू, अब मैंने आपको बताया था और का मतलब ये होता है कि हमारे पास एस जो है वो नल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ए एस बी को भी। तो इसको पहले मैं आसान करके आपके लिए लिख देता हूँ, एस ए एस बी को भी कर रहा है और एस में हमारे पास नल भी है, ठीक है। अब हमें चाहिए ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, तो देखो ए एज इट इज़ है। अब इस एस की जगह पे या तो मैं नल डाल सकता हूँ या फिर ए एस बी डाल सकता हूँ, तो मैं ए एस बी डाल दूंगा क्योंकि मुझे ये वाली स्ट्रिंग चाहिए, और ये वाला जो बी है ये वाला एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए डबल ए एज इट इज़, डबल बी बी एज इट इज़ एंड में लिखूंगा, और एस की जगह पे मैं दोबारा क्या डाल दूंगा, ए एस बी डाल दूंगा। तो मैंने दोबारा ए एस बी डाल दी और ये डबल बी जो है लास्ट में एज इट इज़ आ गया। अब देखो मेरे पास जो ट्रिपल ए और ट्रिपल बी जो लैंग्वेज में मैंने मुझे चाहिए था वो मेरे पास आ गया। अब इस एस को ख़त्म करना है तो मैं इस एस की जगह पे क्या डाल दूंगा, नल डाल दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल ए नल ट्रिपल बी, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये हमने स्ट्रिंग जनरेट कर ली अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से। तो ये एक लेक्चर था हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, इसमें मैं आपको क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करवाऊंगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की, तो वो आपने लाजमी देख लेना, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा सी एफ जी का। थैंक यू।